गरीना वाले रीसेंट के अंदर ना बहुत पुराने पुराने बंडल्स और इवेंट्स दे रहे हैं ताकि आप लोग अपने पैसे को जो है वेस्ट कर दो गेम के ऊपर लगा के। बट एज यूजुअल आपका भाई ये चीज होने नहीं देगा और मैं आज आपको एक ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जिसके बाद आप लोग जो है गेम से ही पैसा कमाने लग जाओगे। और इसीलिए जो है मैंने एक सीरीज लॉन्च करी जिसका नाम था PTFPM यानी कि प्लेइंग टूर्नामेंट फॉर परचेजिंग मोबाइल। और अब तक इस सीरीज के मैं जो है अपने चैनल पे 4 एपिसोड डाल चुका हूँ जिसके अंदर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था 1751 रुपीज का एंड उसके अलावा जो टोटल विनिंग प्राइस था जो कि था अपना 2055 रुपीज एंड उसके अलावा हमारा प्रॉफिट बहुत ही कम था जो कि था सिर्फ और सिर्फ 308 रुपीज का। बट गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम जो एप्लीकेशन यूज करने वाले ना उसकी मदद से मेरा बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर ज्यादा जो है हार्ड बंदे नहीं आ रहे। तो वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ आपको उस एप्लीकेशन के बारे में। सो अपने एपिसोड 5 के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं गेम वॉर एप्लीकेशन का जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मेरे लिंक से डाउनलोड करने के साथ ही इस एप्लीकेशन के अंदर आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे अपना नाम फोन नंबर वगैरह डाल के इजिली रजिस्टर कर लेना एंड रजिस्टर करने के बाद जो है ना आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा इस एप्लीकेशन का और यहाँ पे आप लोग अपना नाम वगैरह चेकआउट कर सकते हो और मेरा बैलेंस भी देख सकते हो यार। उसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे मोड्स हैं लाइक बैटल रॉयल से लेके CS1v1 का ऑप्शन है, यहाँ पे लॉन वुल्फ का बहुत सस्ता चार्ज है। एक चीज आप लोग देख के शॉक हो जाओगे, यहाँ पे जो है पर किल के आप रेट देख सकते हो और जॉइनिंग रेट लाइक सीरियसली ये लोग बहुत बहुत ही ज्यादा आपको पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपको ऐड अगर मनी करना है तो ऊपर साइड में कॉइन मिलेगा, कॉइन के ऊपर जाने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको ऐड कॉइन, विड्रॉ कॉइन और ट्रांजेक्शन वगैरह सब मिल जाएगा। ऐड करना भी बहुत ज्यादा इजी इस एप्लीकेशन में और विड्रॉ करना भी बहुत ईजी है। आज का हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट होने वाला है लॉन वुल्फ का टूर्नामेंट जिसका एंट्री रेट था 70 रुपीज एंड विनिंग प्राइस था 110 रुपए। तो फटाफट से चलते हैं देखते कैसे हमारा टूर्नामेंट जाने वाला है। सो मेरे सामने अपोनेंट आए हैं बैड बॉय और जस्ट ज्वाइन करते के साथ ही इन लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया एंड यहाँ पे फर्स्ट राउंड तो जस्ट यार मैं इस एनिमी को देख रहा होता हूँ। इस बंदे ने गन बड़ी अजीब सी चूज करी लाइक यहाँ पे थॉमसन और इसका कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आप लोग देखो अनलिमिटेड वॉल नहीं था, मुझे थोड़ी देर के बाद रियलाइज होता है लेकिन इस एनिमी को फटाफट से रश मार के मैं फिनिश कभी कर देता हूँ। एंड ये बंदा जो है ना राइडन का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर देखो मैंने इसको 160 का डैमेज दिया है और ये बंदा जो है ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है सीरियसली और इसको इजीली मैंने सेकंड राउंड में भी फिनिश कर दिया। एंड देखते देखते जो है यहाँ पे 3v3 का स्कोर हो जाता है और यहाँ पे डबल वॉम है मेरे पास, एक शॉट ऑलरेडी मैंने इसको मारा था भाई बंदे ने डैमेज दिया लेकिन एट द एंड मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना ये लास्ट राउंड हमारा रहने वाला है जिसके अंदर मैंने डबल ट्रोगॉन चूज करना होता है लेकिन यहाँ पे एक ओम और एक ट्रोगॉन लेता हूँ एंड यहाँ पे नेट से इस एनिमी को काफी डैमेज दिया और देखते जो है ये बंदा मेरे नेट से ही मर जाता है और मेरा गेम जो है बहुत ही आराम से बोया निकल जाता है। या लाइक सीरियसली यार फर्स्ट गेम ही बहुत ही इजीली बोया निकल गया 5-3 के स्कोर के साथ 4 के स्कोर के साथ एंड इस सिचुएशन पे मुझे फर्स्ट गेम खेलते ही समझ आ रहा था यार यहाँ पे बहुत ही स्मूथ गया गेम। सो यहाँ पे मैंने 70 रुपीस इन्वेस्ट करके 110 रुपए विन करे इस टूर्नामेंट से। नेक्स्ट वाला टूर्नामेंट भी मेरा लॉन वुल्फ का होता है जिसका एंट्री रेट था 60 रुपीस एंड विनिंग प्राइस था 100 रुपीस। लेट्स सी कैसा जाता है टूर्नामेंट। मेरे सेकंड टूर्नामेंट के अंदर ही जो ना बड़ी अजीब सी ट्रेजेडी हो जाती है, मेरे जो सामने अपोनेंट था वो आता ही नहीं है और ओवर टाइम हो जाता है जिस वजह से जो है ना यहाँ पे सामने जो होस्ट था उसने मेरे को एग्जिट करने के लिए बोल दिया था कि आप एग्जिट कर जाओ मैं आपको विन दे दूंगा क्योंकि जो है ना इनका यही रूल है लाइक अगर ओवर टाइम हो जाता है तो यार कैसी गेम स्टार्ट हो सकता है। सो इसलिए जो है ना होस्ट ने मुझे पेमेंट कर ही दिया था उस चीज का, मतलब विन दे दिया था सीधा। इस वाले टूर्नामेंट के अंदर बिना खेले जो है मैंने 100 रुपीस अर्न कर लिए 60 रुपीस इन्वेस्ट करने के बाद। अगला टूर्नामेंट होता है मेरा CS का 1v1 जिसका एंट्री रेट था 70 रुपीस एंड विनिंग प्राइस था 110 रुपए। मेरे टूर्नामेंट के अंदर जस्ट आते के साथ ही मैं एक राउंड निकाल भी देता हूँ बहुत ही इजिली एंड इस एनिमी को ऑम से अगेन डैमेज देने का मैं ट्राई कर रहा होता हूँ। बस यार ये एनिमी ना बहुत कम पीक दिखा रहा था बट अचानक से इसने थोड़ी पीक दिखाई, एक शॉट कनेक्ट कर दिया मैंने, फटाफट से इस एनिमी के ऊपर रश मारूंगा। और ये बंदे जो है ना यार बॉनफायर का बहुत यूज कर रहे होते हैं, मतलब कस्टम के अंदर बॉनफायर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एट द एंड मैंने इसको फिनिश कर दिया, यहाँ पे ये राउंड तो निकल जाता है एंड देखते देखते 4-0 का स्कोर हो जाता है। इस वाले राउंड के अंदर ये एनिमी मुझे बहुत अच्छा डैमेज देता है, भाई मैंने भी एक शॉट कनेक्ट किया है और इस बंदे ने भी बहुत अच्छा डैमेज दिया है। फटाफट से पहले हील कर लूँ। अब जैसे ही मैं हील वगैरह करके जस्ट बाहर ही निकलता हूँ ये बंदा जो है टू शॉटर से मुझे इजीली फिनिश कर देता है, 787 से बहुत ही गंदा मारता है। बट उसके अगले राउंड के अंदर आप लोग चेकआउट करो, यहाँ पे मैं अपना बल्ला लेने के लिए ना इसके ऊपर सीधा मुझे रश मारता हूँ एक शॉट कनेक्ट करके और देखते देखते बहुत ईजिली ये वाला राउंड निकल जाता है। ऑल राइट यहाँ पे इस वाले राउंड को फिनिश करेंगे और इजिली फिनिश खत्म। यहाँ पे 6-1 के साथ ये वाला गेम प्ले बहुत ही आराम से मेरा बोया निकलता है
मतलब मजा ही आ रहा है यार। अभी तक तो 3 गेम में बैक टू बैक बोया निकाले हैं। इस वाले टूर्नामेंट के अंदर जो मेरे 70 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद 110 रुपए का प्रॉफिट होता है टोटल। बिल्कुल। नेक्स्ट वाला टूर्नामेंट भी मेरा सीएस का होता है, जिसके अंदर एंट्री चार्ज था मेरा 100 रुपीज एंड विनिंग प्राइस था 190 रुपीज। सो यहाँ पे फर्स्ट मैच के अंदर मेरे पास AWM होता है, और AWM को मैं ज्यादा इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि जस्ट एक शॉट कनेक्ट किया जस्ट मैंने आप लोगों के सामने, और थोड़ी सी गोली मारो बंदा वैसे ही मर जाता है यार। और AWM का ए शॉट पड़ने के बाद ना एनिमीज घबरा भी जाते हैं, जैसे आप लोग देखो ये एनिमी घबरा चुका है। और ये बॉन फायर वगैरह बहुत लगाते हैं यार, बट इस बंदे ने पता नहीं कैसे मार दिया उछल कूद करके। हलवाई क्या मतलब सीरियसली। लेकिन नेक्स्ट राउंड के अंदर मैंने एक शॉट कनेक्ट किया होता है इसको, और इजिली 1v1 का स्कोर मैं कर देता हूँ। एंड बैक टू बैक काफी अच्छा खेलने के बाद ये बंदा जो है ना 3-1 कर देता है। मतलब सामने अपोनेंट जो है बहुत ही तगड़ा खेल रहा है यार। एक शॉट कनेक्ट किया मैंने अगेन, फटाफट से इसको रश मारेंगे। और यहाँ पे इसने छोटी सी मिस्टेक करी मेरे ऊपर, मेरे को थोड़ा सा लाइटली ले लिया था, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसके लाइटली लेने की वजह से मैंने गेम ही बोया निकाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो है मेरा फोर्थ बोया है ये वाला गेम, जिसके अंदर यहाँ पे मेरा टोटल प्रॉफिट वगैरह आपको मैं बताता हूँ, बट अभी तक तो है मेरे को सच बता रहा हूँ मजा आ गया इस एप्लीकेशन में। इस वाले टूर्नामेंट के अंदर 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद 190 रुपीज में विन करता हूँ। नेक्स्ट वाला टूर्नामेंट होता है हमारा लॉन वुल्फ का, जिसका एंट्री रेट था 70 रुपीज एंड विनिंग प्राइस था 120 रुपीज। ऑल राइट, सो जस्ट यहाँ पे अभी गेम स्टार्ट ही होता है, एंड यहाँ पे इस एनिमी ने जो है ना अपनी डेजर्ट ईगल को परचेस किया है, और मेरे पास भी डेजर्ट ही है। और भाई बंदा सीधा मुंह पे हेड मार देता है, मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर ही मुझे थोड़ा सा डरा दिया इस बंदे ने। लेकिन नेक्स्ट राउंड के अंदर जो है मैं इसको तुक्के से हेडशॉट मार देता हूँ, जस्ट वो सीधा सीधा आ रहा था तो हल्के से ड्रैग से हेड पड़ जाता है, एंड यहाँ पे 3-1 का मैंने स्कोर कर दिया। और इस वाले राउंड के अंदर भी ये बंदा जो AC80 परचेस करता है और मेरे से फिर अगेन हेडशॉट खा लेता है हल्के से ड्रैग से। मतलब ये बंदा नहीं वन टैप वाली गन क्यों खरीद रहा है यार। सो यहाँ पे एक और राउंड, और यहाँ पे जस्ट वन टैप खेल रहे हैं और हल्के से ड्रैग हेडशॉट पड़ गया। मतलब यहाँ पे इस एनिमी ने खुद की अपनी कबर खो दी है सीरियसली। यहाँ पे वन टैप मारने के चक्कर में बंदा गेम ही हार गया। सो यहाँ पे मेरे 70 रुपीज कन्वर्ट हो जाते हैं 120 रुपीज के अंदर। सो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट वाला टूर्नामेंट था अपना क्लैश कॉर्ड का, जिसका वही सेम टू सेम एंट्री प्राइस था और विनिंग प्राइस भी वही था। यहाँ पे मेरे अपोनेंट के अंदर आया है OG क्रिमिनल, एंड जस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका आईडी ओपन ही कर रहा था, बट इन्होंने गेम स्टार्ट कर दिया होस्ट ने, एंड यहाँ पे आप लोग देखो 1-0 का स्कोर होता है और मेरे हाथ में MP40 है। और जस्ट यार क्लैश कॉर्ड खेलने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि अनलिमिटेड वॉल होता है, जबकि लॉन वुल्फ में इतना सीरियस होकर खेलना पड़ता है। ऑल राइट, एट दी एंड इस एनिमी को मैंने इजिली फिनिश कर दिया, यहाँ पे इसने पैक कर लिया था अपने आप को उसके बावजूद भी। एंड यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो मेरे पास ऑम है और एक शॉट मैंने कनेक्ट किया। अब ये बंदा जस्ट मेरे एक शॉट खाते के साथ ही पीछे भागना स्टार्ट कर जाता है यार। मतलब थोड़ा सा आगे आओ, अभी तो बहुत आगे आ रहा था। यहाँ पे इसने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। ऑल राइट, पीक दिख रहा है मुझे, बट यहाँ पे इसने वॉल वगैरह डाल लिया। एंड ये अपोनेंट भी जो है ना शायद से कुछ चला रहा है यार, बहुत तगड़ी गन मैग वैक है इसके पास एट दी एंड। लेकिन मैंने इसको फिनिश कर दिया मैक्स 7 के बावजूद भी मार नहीं पाया, नूब। ऑल राइट, 5-1 का स्कोर है एंड ये एनिमी सामने ही है। एक शॉट कनेक्ट किया और अब अगेन भागना स्टार्ट कर दिया, बट पता नहीं यार ये बंदा भाग क्यों रहा था बहुत ज्यादा, और भागने की वजह से ही मर गया सीरियसली। 6-1 के साथ वाला गेम प्ले मैंने बोया निकाला, और अब ना मुझे बोरिंग लगने लगा है टूर्नामेंट खेलना। मतलब इतने आराम से बोया और इतने आराम से प्रॉफिट कैसे निकल रहा है यार आज। यहाँ पे भी मैंने 70 रुपीज अपने कन्वर्ट कर लिए 120 रुपीज के अंदर, वो भी बहुत ही इजीली। नेक्स्ट वाला टूर्नामेंट बहुत ही सस्ता था यार, यहाँ पे एंट्री फीस थी यहाँ पे 45 रुपीज एंड विनिंग प्राइस था 75 रुपीज। एंड जितना ज्यादा चीप रेट का ये टूर्नामेंट था ना, उससे भी अजीब बंदा आया था सीरियसली। आप लोग चेकआउट करो, यहाँ पे सामने अपोनेंट जो है ना पता उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। एंड जस्ट अभी तो फर्स्ट राउंड ही है, मतलब सेकंड राउंड है, और जस्ट ये एनिमी पीछे की साइड में जाके जो है अपने आपको पैक कर लेती है, बट एट दी एंड एक शॉट कनेक्ट करते यहाँ पे मर भी जाती है। मतलब सीरियसली अपोनेंट बहुत ही अजीब लगा मुझे अब तक का। या। और देखते देखते 4-0 हो जाता है, और जस्ट यहाँ पे मैंने इसकी वॉल वगैरह तोड़ी, भाई बंदी ने पैक कर दिया मुझे। एंड जस्ट ये वॉल से अपने आपको कवर ही करे जा रही थी यार, मतलब पीछे ही बैक ऑफ हो रही है, बैक ऑफ बार बार, अलग ही लेवल के बंदे आ रहे हैं। जस्ट यहाँ पे पता नहीं कहाँ चली गई, और मेरे यहाँ पे कैंप करके वेट कर रही थी। ऑल राइट, जस्ट फिर से पीछे भाग रही है, मतलब कब तक भागोगी दीदी। एंड जस्ट सीरियसली यार अब बोर हो चुका हूँ मैं, मतलब इसको ढूंढते वॉल तोड़ेंगे फटाफट से। एंड एट दी एंड घबरा गई है और इजीली फिनिश हो गई। मतलब यहाँ पे इस एनिमी को बहुत ही आराम से मैंने फिनिश कर दिया, 5-0 हो जाता है, और देखते देखते ये 2 राउंड जीत जाती है मेरे से अगले गेम के अंदर ही। बट एट दी एंड मैंने एक शॉट यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, और देखते हैं यहाँ पे हेडशॉट नहीं, यहाँ पे इसने अपने आपको पैक कर लिया है। तो थोड़ा सा रोटेशन लेते हुए फटाफट से फिनिश करेंगे इसे, एंड 2-4 गोली मैंने कनेक्ट करी, थोड़ा सा स्पेस खाली है, और ये भी वही गलती करती है भागने वाली। एंड एट दी एंड 6-2 के साथ ये वाला गेम प्ले मेरा बहुत ही आराम से बोया निकलता है। और यहाँ पे मतलब सीरियसली अब तो
क्या ही कहें। सो यहाँ पे मैंने 40 rupees अपने इन्वेस्ट करने के बाद जो है 75 rupees विन कर लिए टोटल अमाउंट। नेक्स्ट टूर्नामेंट भी रेट बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं मेरे जैसे सीएस के अंदर थे। यहाँ पे भी अपना एंट्री चार्ज है 45 rupees और विनिंग प्राइस है 75 rupees, बट ये जो है लॉन वुल्फ का टूर्नामेंट है। और यहाँ पे हमारे अपोनेंट में आया है जॉय गैंगस्टर। मतलब सीरियसली यार बंदे का नाम बड़ा खतरनाक है, 70 level का प्लेयर है एंड काफी अच्छा खासा आईडी है। और होस्ट ने जल्दी स्टार्ट नहीं किया तो ये चीज अच्छी लगी मुझे। और जस्ट यहाँ पे गेम स्टार्ट होते के साथ ही मैं MA2 भी परचेस कर लेता हूँ डबल, क्योंकि यार AWM यहाँ पे मिली नहीं। और एक शॉट मैंने कनेक्ट किया, एक शॉट मैंने पहले स्टार्टिंग में कनेक्ट कर दिया था इस एनिमी को दूर से। एंड यहाँ पे इस वाले राउंड इधर आप लोग देखो एनिमी ने जो है ना पे फार्मर्स 3 level की और यहाँ पे ये परचेस करा है थॉम्सन। लेट्स सी यहाँ पे, या तो अनलिमिटेड नहीं होता। फटाफट से रश मार के मैंने हेडशॉट से इसको फिनिश कर दिया, 4-0 कर दिया है मैंने। और यहाँ पे इस वाले राउंड में मारने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे ये दीदी जो छुपी पड़ी थी बिल्कुल, लेकिन एट दी एंड मैं इसको हेडशॉट कनेक्ट करने के बाद बहुत ही स्मूथली बहुत ही इजीली वाला गेम प्ले बोया निकालता हूँ। गैंगस्टर था इसका नाम, लेकिन कुछ भी गैंगस्टर वाला काम नहीं किया, हक दिया अपने जॉय भाई ने। सो अपने इस वाले टूर्नामेंट के अंदर 45 rupees इन्वेस्ट करने के बाद मेरा टोटल प्रॉफिट होता है 75 rupees का। नेक्स्ट में एक और लॉन वुल्फ का टूर्नामेंट था जिसका एंट्री फी था 50 rupees एंड अपना विनिंग प्राइस था अपना 85 rupees का। ओके, सो इस एनिमी का नाम तो काफी खतरनाक सा है और मैं पहले ही होस्ट को बोल देता हूँ वेट, बट होस्ट वेट करने का नाम ही नहीं लेता है एंड डायरेक्टली स्टार्ट कर देता है। ऑलराइट, सो इस एनिमी ने जो है फर्स्ट राउंड के अंदर ही अपनी डेजर्ट ईगल परचेस करी और आते ही मुझे हेडशॉट चिपका दिया। यार सीरियसली बंदे की मूवमेंट स्पीड भी काफी अच्छी थी तो मैंने लाइक दे दिया। एंड नेक्स्ट गेम में आप लोग चेकआउट करो, ये बंदे के पास अभी भी डेजर्ट ईगल है लेकिन जस्ट ये बैठा हुआ था और मैंने काफी डैमेज देखा था बॉडी से, इसको मैंने फिनिश कर दिया। एंड देखते देखते 4-3 का स्कोर हो जाता है और सचमुच यार ये जो अपोनेंट है वो सचमुच बहुत अच्छा है। सीरियसली यार इसका मतलब मूवमेंट स्पीड वगैरह काफी डिसेंट है एंड इस वाले राउंड के अंदर भी बहुत ही आराम से मुझे हेडशॉट दे देता है। 4v4 कर दिया और इस वाले राउंड में अगर मैंने मार दिया तो मेरा गेम बोया है। एंड यहाँ पे इसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, शायद से इसका इंटरनेट इशू था या पता नहीं क्या था, मतलब लेकिन गेम जीता हुआ गेम हारा ही है, शायद से इंटरनेट इशू था इस बंदे का। मेरे हिसाब से तो आज किस्मत मेरा बहुत ज्यादा साथ दे रहा है। सो यहाँ पे मैंने 50 rupees इन्वेस्ट करके 85 rupees विन कर लिए। अब मैं ये लॉन वुल्फ और सीएस के टूर्नामेंट खेल खेल के बहुत ज्यादा बोर हो गया था तो मैंने एक डुओ का किल वाला टूर्नामेंट ज्वाइन कर लिया बीआर का, जिसका एंट्री फी था 10 rupees एंड पर किल का रेट था 9 rupees, आप लोग खुद देख सकते हो। और जो डुओ टूर्नामेंट के अंदर मेरा पार्टनर था वो भी रैंडम प्लेयर था बनी नाम का। एंड सीरियसली यार यहाँ पे मुझे इस बंदे को काफी ज्यादा हेलो हेलो बोलना पड़ा और यहाँ तक ही मैसेज भी करना पड़ा माइक ऑन प्लीज, लेकिन एट दी एंड बनी भाई साहब ने अपना माइक ऑन कर लिया था। एंड जब आप कभी भी डुओ टूर्नामेंट खेलो ना तो अपने टीममेट से बात करके खेला करो करो यार, ताकि उसके लिए भी इजी रहे एंड आपके लिए भी इजी रहे। और डुओ का टूर्नामेंट गलती से ज्वाइन हुए थे हम लोग, मेरे को करना सोलो का था। सो यहाँ पे जस्ट मैं लैंड करता हूँ पीक वाले साइड के अंदर एंड जस्ट बहुत सारे एनिमीज आए और मेरे टीममेट भी मेरे साथ में ही है। और देखो अचानक से यहाँ पे एक एनिमी आता था और बहुत डैमेज देता है यार, और ऊपर से एक बंदा मुझे नॉक कर देता है। बट एट दी एंड यहाँ पे बनी जो है ना फटाफट से पहले इसको फिनिश कर दिया यार बनी, क्योंकि ऊपर की साइड में जो है ना वो बंदा था वो डैमेज दे रहा था। एंड सीरियसली उस बंदे ने बहुत तंग किया, बट मैंने भी उसको एक आधी गोली का ही छोड़ा था एट दी एंड। एंड जस्ट यहाँ पे मैं हील करके जाता हूँ और आप लोग देखो कि भाई राइट हैंड साइड पे पूरी की पूरी डुओ थे, दो बंदे थे एंड इन बंदों ने इजिली मुझे नॉक कर दिया, मतलब सीरियसली आते ही मार दिया। और मुझे ऐसा लगा, मैंने बनी को बोला कि यार पीछे जाके मुझे रिवाइव दो, बट बनी जब यहाँ पे वेंडिंग मशीन पे जाता है तब मुझे बोलता है कि भाई रिवाइवल वाला ये टूर्नामेंट नहीं था। तो सीरियसली बुरा लगा यार, यहाँ पे जस्ट एक ही बीआर का गेम खेला और उसके अंदर भी ये सीन हो गया, तो मैंने गेम बैक मार दिया इस भाई को बाय बाय बोलते हुए। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट गेम था जो भी बीआर का जिसके अंदर हमारा लॉस हो गया। इस टूर्नामेंट के अंदर अपने 10 rupees इन्वेस्ट करने के बाद 0 rupees अर्न करे मैंने। नेक्स्ट मेरा टूर्नामेंट होता है सीएस का 1v1 जिसका एंट्री फी था 70 rupees एंड प्राइस पूल था 120 rupees। जस्ट यहाँ पे मैंने ज्वाइन तो कर लिया टूर्नामेंट एंड मैं पहले लिख देता हूँ होस्ट को कि वेट। एंड यहाँ पे हमारा अपोनेंट है रॉनी वाई और शायद से ये अपोनेंट पहले रह चुका है मेरे अकॉर्डिंग, 58 level का ये अपोनेंट है एंड इसका आईडी दिखने में काफ़ी अच्छा है यार, लेकिन सीएस रैंक के गेम प्ले इसके अच्छे नहीं थे, तो लेट्स सी गेम में कैसा जाता है। सो यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर ही यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ वन टैप खेलने का और यहाँ पे इस बंदे को मैं इजिली हेडशॉट मार भी देता हूँ। सो यहाँ पे जो मेरे 2 rounds ऑलरेडी विन थे, एक शॉट मैंने अगेन कनेक्ट कर दिया इस एनिमी के ऊपर और फटाफट से रश मार के इसको फिनिश भी कर दिया हेडशॉट से। और सीरियसली यार ये बंदा जो है ना बहुत मिस्टेक्स कर रहा था और मेरे को पता नहीं अंदर से लग रहा है इसको शायद पहले खेल चुका हूँ, लेकिन इस वाले राउंड के अंदर ना ये बंदा 3 level की M10 ले आता है। लाइक सीरियसली शायद से अलाउड होगी, बट 3 level की M10 वो भी मेरे सामने,
भाई जैसे ही M10 लाता है मेरे अंदर जोश चढ़ जाता है और इजीली इसको फिनिश कर दिया मैंने। यहाँ पे 5-1 कर दिया एंड लास्ट राउंड के अंदर भी अपनी M10 यूज करता हूँ। लास्ट राउंड के अंदर मैंने एक ट्रिक अप्लाई करता हूँ जिसके अंदर मैं एनिमी को ना थोड़ा सा उकसा रहा होता हूँ अपने ऊपर वॉल वगैरह डालने का, जो कि ये करता भी है और ईजिली मर जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने चालू बंदी देखी मेरी 6-1 के साथ ये वाला गेम प्ले मैंने बहुत ही आराम से अपना बोया निकलवा लिया। मतलब सीरियसली थोड़ा सा स्ट्रेटेजी यूज करा मैंने इस गेम में और कुछ भी नहीं था। इस वाले टूर्नामेंट के अंदर भी ओनली 70 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद 120 रुपीज मैंने विन कर लिए बहुत ही इजीली। आज का हमारा लास्ट टूर्नामेंट होने वाला है वो होने वाला है लॉन वुल्फ का, जिसका एंट्री फीस सेम टू सेम था और प्राइस पूल भी वही 120 रुपीज ही था। सो यहाँ पे मैं जैसे ही टूर्नामेंट ज्वाइन करता हूँ ये वही अपोनेंट है जो हमारे स्टार्टिंग के टाइम पे आया था और स्टार्टिंग के टूर्नामेंट मैंने रात के टाइम पे खेले थे, तो ये वाला बंदा जो है दोबारा से मेरी इवनिंग टाइम पे भी आता है। सो यहाँ पे बंदे की आईडी काफी अच्छी थी बट पहले इसको मैं हरा चुका हूँ। लेट्स सी लॉन वुल्फ में कैसा खेलता है ये बंदा। सो यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर ही एनिमी मुझे काफी डैमेज दे देता है यार, और यहाँ पे इसने ना ट्रोगन और एक्समेट परचेस की होती है और देखो आप लोग लिटरली यार ये बंदा इतना ज्यादा डैमेज दे रहा है, मतलब पता नहीं लॉन वुल्फ पे कौन सी आत्मा आ गई इसमें और इसने मार भी दिया। सीएस के अंदर बहुत खराब खेल रहा था, यहाँ पे 0-3 का स्कोर है, मतलब इसको हरा तक नहीं पा रहा मैं। ऑल राइट, लेकिन एट द एंड मैंने इसको जो है अपनी ओम से 2 शॉट कनेक्ट करके इजिली फिनिश कर दिया और ओम मैंने परचेस करी थी और देखते देखते यहाँ पे जो मैं पूरी बॉडी ले रहा हूँ उसके साथ। ये वन टैप ट्राई कर रहा है लेकिन मेरे को गेम जीतने से मतलब है। यहाँ पे 3-4 का स्कोर हो जाता है और यहाँ पे इसने ना M10 ले ली थी 3 लेवल की, तो मैंने उसी चीज़ का प्रॉफिट उठा लिया। और यहाँ पे 4v4 के अंदर मैं यहाँ पे ना डबल ये ले लेता हूँ ट्रोगन, और आप भी कर सकते हो जब 4v4 हो, एक ट्रोगन से जो है ना आप नेड का स्किल करना और एक से शॉटगन एंड इजिली एनिमीज को ना आप आराम से मार दोगे। जैसे कि आप बोल देखो वो बंदा बिल्कुल घबरा चुका है और एक आधी गोली का होता है जिसको मारने के बाद शॉटगन से इजिली फिनिश हो गया ये बंदा। ये ट्रिक हमेशा काम आती है मेरे। सो यहाँ पे 5-4 के साथ ये वाला गेम प्ले भी मेरा बोया निकलता है दिन का आखिरी टूर्नामेंट। एंड सीरियसली गाइस आज मजा ही आ गया। इस वाले टूर्नामेंट के अंदर भी जाते जाते मैंने जो है प्रॉफिट निकाल लिया यहाँ पे 70 रुपीज इन्वेस्ट करके 120 रुपीज का। अब सचमुच बता रहा हूँ गाइस ये फर्स्ट ऐसा एपिसोड है जिसके अंदर मेरे को खुद को बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट मिला है, अदरवाइज मेरे को नहीं मिलता। सीरियसली इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है गेम वार और सीरियसली अभी जो है मॉडरेट से बंदे आ रहे हैं तो आपको खेलने में भी मजा आएगा। जब आप विन करोगे तो ऑब्वियसली बात है यार आपको और मोटिवेशन मिलेगी गेम खेलने की। तो मैं मिलता हूं आपसे अब अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर बाय बाय। अब गाइस अगर आप लोग जो है बीआर के अंदर किसी वेपन के अंदर इंडिया लगाना चाहते हो तो उसकी मैंने जो ट्रिक अपने चैनल पे रिवील कर रखी है ऑलरेडी, तो फटाफट से जाओ उसको जाके चेकआउट करो मेन चैनल पे। मैं मिलता हूं आपसे मेन चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।